आपने कभी किसी दर्शक को डायरेक्टर के इस तरह से पैर छूते देखा है? क्या आपने कभी किसी दर्शक को इस तरह से एक्टर से लिपट कर फूट फूट कर रोते हुए देखा है? इन आंसुओं को देखकर किसका दिल नहीं फट गया होगा? ये 32 साल पुराना वो दर्द है जिसका जख्म आज तक हरा है। ये महिला द कश्मीर फाइल्स देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। फिल्म देखकर उसे अपना वो कश्मीर याद आ गया जहां से उसे 19 जनवरी 1990 को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन ये महिला अकेली ऐसी नहीं है जिसे यूं कश्मीर की वादियों से घसीट दिया गया हो। ऐसे 4 लाख और कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी अपने दिलों में दर्द दबाए बैठे हैं। सरकार के पास इसका आंकड़ा तक नहीं है कि कितने कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, कितनी महिलाओं का सरेआम बलात्कार कर दिया गया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया गया, कितनी माओं को विधवा कर दिया गया। सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जो फूट फूट कर रोते हुए दर्शकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने को काफी हैं कि इस फिल्म में उनकी सच्ची कहानी को दिखाया गया है। हैरानी होती है उस बॉलीवुड पर जो कहता फिरता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। अगर आईना होती हैं तो कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में 32 साल क्यों लग गए? विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म से बॉलीवुड जला बैठा है। कोई भी एक्टर इस फिल्म पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। आज ये फिल्म रिलीज हो रही है और ये वो कहानी है जो हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि 32 साल पहले कैसे कश्मीर में नरसंहार हुआ था। उन्हें पता होना चाहिए कि कश्मीर में आतंकवाद क्यों फैल गया है। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उनके नेताओं ने कश्मीरी पंडितों का कत्ल होने दिया। ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये उन 4 लाख लोगों की कहानी है जिनके होंठ सिल दिए गए ताकि वो अपना दर्द किसी के सामने पाए।